हमारे इंडिया में बहुत सारे मशहूर शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु वगैरह, लेकिन इनमें से एक हैदराबाद भी है जिसकी कुछ बात ही कुछ और है। हैदराबाद को कुली कुतुब शाह ने बसाया था और अल्लाह से दुआ मांगी थी, या अल्लाह समंदर में जितनी मछलियाँ होती हैं तू मेरे शहर हैदराबाद में उतनी आबादी अता फरमा। तो बस अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। यहाँ आपको इंडिया से हटकर बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल जो बिल्कुल इंडिया से अलग है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं, तभी तो यहाँ पर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो मिलादुन्नबी हो या गणेश चतुर्थी या गुरु नानक जुलूस हो और या क्रिसमस हो। यहाँ आपको चारमीनार से लेकर फलकनुमा पैलेस, सालारचंद म्यूजियम, मक्का मस्जिद और कई सारी मुगल सल्तनतों की इमारतें देखने को मिलेंगी। यहाँ का चूड़ी बाजार, लाल बाजार, फतरगती, बंजारा हिल्स, एबिट्स इतना मशहूर है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। हैदराबाद सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, तभी तो यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी हैदराबाद आने की ख्वाहिश की और वो यहाँ आई और मुख्तलिफ मुकामात पर घूमकर सर्वे भी किया। यहाँ की ईरानी चाय से लेकर यहाँ की बिरयानी और यहाँ का पान भी बहुत मशहूर हुआ है। हैदराबाद जो एक बार आता है उसे वापस जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ की मेहमान नवाजी ही कुछ ऐसी है। और हैदराबाद में रमज़ान बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 10 रमज़ान से लेकर आखिरी चांद रात तक यहाँ पर दुकानें रात भर खुली होती हैं, जिससे पब्लिक ईद की शॉपिंग आसानी से कर सकती है। रमज़ान के मौके पर जब यहाँ हलीम और दही बड़े बनते हैं तो लोग बड़ी दूर दूर से हलीम और दही बड़े खाने भी आते हैं। इस हैदराबाद ने हिंदुस्तान को कई सारे लेजेंड्स भी दिए हैं, जैसे सानिया मिर्ज़ा, अजहरुद्दीन और ईसा मिस्री साहब। और यहाँ की छोटी मोटी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड यानी कि गुल्लू दादा, शहबाज खान, आज़िज़ नज़ीर और सलीम फेकू जैसे मशहूर कलाकार भी रहते हैं, जिसकी फिल्में वर्ल्ड वाइड पब्लिक यूट्यूब पर देखती भी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें।